स्टोरेज ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कंप्यूटर स्टोरेज से क्या मुराद है, स्टोरेज की टाइप्स कौन सी हैं और आम इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन इनपुट की जाती है, फिर उस पर कुछ काम या प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट ली जाती है। इन कामों के अलावा कंप्यूटर हमें इनपुट की गई या प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को महफूज करने की सहूलत भी मुहैया करता है। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को महफूज करने के अमल को स्टोरेज कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी भी मालूमात आप अपने कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कंप्यूटर बेसिक्स के सेक्शन में बताया था कि दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन हम एक कंप्यूटर में मुंतकिल कर सकते हैं और बवक्त जरूरत उसको अपने कंप्यूटर ही से दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की मदद से बहुत से दूसरे काम आसानी से कर सकते हैं, मसलन लेटर लिखना, कैलकुलेशंस करना, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स वगैरह बनाना। कंप्यूटर में हम ये काम स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से न सिर्फ महफूज कर सकते हैं बल्कि इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत होती है। स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की दो बुनियादी अकसाम हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर एक मखसूस हिस्से पर लगी होती हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। इन डिवाइसेस को कंप्यूटर की मेमोरी भी कहा जाता है। ये इसी तरह है जैसे इंसान के जहन में महफूज होने वाले रोजमर्रा हालात वाकयात को इंसान की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। रोम से मुराद है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें से हम स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को न ही तब्दील किया जा सकता है और न ही उसकी जगह हम कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर किसी पत्थर पर कुछ लिखा जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। रोम में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन हमेशा इसमें स्टोर्ड रहती है और कंप्यूटर को बंद करने से भी खत्म नहीं होती है। इस वजह से इसको परमानेंट मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। इस मेमोरी में कंप्यूटर के स्टार्ट होने के मुतालिक जरूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इसमें डाली जाती है। अगर रोम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की दूसरी किस्म रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए आपको समंदर की सैर करवाएं। ये देखें, हम समंदर के किनारे रेत पर लफ्ज रेनबो लिख रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? पानी की एक लहर ने हमारा लिखा हुआ लफ्ज मिटा दिया। इस तरह हमने देखा कि रेत पर लिखा हुआ हर लफ्ज टेम्परेरी होता है और उसे मिटाया जा सकता है और उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज भी लिखा जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्परेरी स्टोरेज या मेमोरी होती है जिसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यहाँ वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है जो कंप्यूटर करंटली प्रोसेस कर रहा होता है, यानी जिस इंफॉर्मेशन पर उस वक्त काम हो रहा हो। अगर आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाए तो रैम में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाती है जिस तरह रेत पर लिखा हुआ लफ्ज लहरों के आने से मिट जाता है। इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग हो, तो वो सबसे पहले इसी मेमोरी में स्टोर होती है। रैम में आप न सिर्फ स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं बल्कि इसमें नई इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं मेमोरी के साइज पे, यानी मेमोरी या स्टोरेज को किस तरह मापते हैं।
जिस तरह हर चीज़ को मापने के लिए एक यूनिट होता है, मसलन आप दूध लेते हैं तो लीटर में मापते हैं, फल खरीदते हैं तो किलो के हिसाब से, और पेंसिल खरीदते हैं तो दर्जन के हिसाब से वगैरह। इसी तरह कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बाइट है। आइए देखते हैं कि एक बाइट क्या है। मसलन अगर आप लिखते हैं पाकिस्तान, तो आप इस एक वर्ड में 8 हरूफ यानी कैरेक्टर लिख रहे हैं। हर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जितनी जगह दरकार है उसे हम एक बाइट कहते हैं। तो यूं समझें कि जितनी बाइट्स हैं उतने कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। बाइट एक छोटा यूनिट है, जैसे ग्राम। 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। इसी तरह तकरीबन 1000 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं, जिसे हम 1 किलोबाइट लिखते हैं। इसी तरह 1000 किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट होता है, और 1000 मेगाबाइट्स मिलकर 1 गीगाबाइट बनाती है। आजकल मार्केट में 4GB और 8GB की रैम आसानी से दस्तयाब है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आइए देखते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के होते हुए कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की क्या जरूरत है। आप जानते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में रैम के अंदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ आरजी तौर पर महफूज होती है, और कंप्यूटर की पावर ऑफ होने पर इसमें स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन जाय हो जाती है। इसी तरह रोम के अंदर अगर हम चाहें भी तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें ऐसे स्टोरेज डिवाइस की जरूरत है जहां हम खुद इन्फॉर्मेशन को इस तरह स्टोर कर सकें कि कंप्यूटर के बंद होने के बावजूद इन्फॉर्मेशन महफूज रहे। इस तरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को मुतारफ कराने की जरूरत सामने आई। ये वो स्टोरेज एरिया है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज के मुकाबले में ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगर कंप्यूटर की पावर ऑफ भी हो जाए तब भी इन स्टोरेज डिवाइसेस में हमारी इन्फॉर्मेशन महफूज रहती है, इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहलाती हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ किस्म की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस देख रहे हैं। हम इन सबको तफसील से देखेंगे। मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में मुख्तलिफ टाइप्स के डिवाइसेस शामिल हैं, जिनमें से पहली टाइप मैग्नेटिक डिस्क हैं। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के जुमरे में आती हैं। हार्ड डिस्क। इसे हार्ड डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक हार्ड मटेरियल की डिस्क होती है। हार्ड डिस्क एक केसिंग में सील्ड होती है। आमतौर पर एक केसिंग के अंदर एक से ज्यादा हार्ड डिस्क इकट्ठी की जाती हैं ताकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन या डेटा स्टोर किया जा सके। इसमें भी डेटा सर्कुलर ट्रैक्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसा कि आम म्यूजिक रिकॉर्ड्स में किया जाता है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी इसमें हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। आजकल कई 1000 GB तक की हार्ड डिस्क मार्केट में आसानी से दस्तयाब है। यानी हम हार्ड डिस्क के जरिए कंप्यूटर में बहुत सा डेटा, जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो वगैरह शामिल हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लैश ड्राइव में हम डेटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये सहूलत हार्ड डिस्क में इतनी आसानी से मुहैया नहीं है। ताहम एक फ्लैश ड्राइव हार्ड डिस्क के निस्बत ज्यादा पायदार नहीं, क्योंकि वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर इस्तेमाल हो रही होती है, जबकि हार्ड डिस्क ज्यादातर एक ही कंप्यूटर में लगी रहती है। हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क हैं, इसलिए अगर इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले जाएंगे तो डेटा या आपकी स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन खराब या जाय हो जाएगी। इसी तरह हार्ड डिस्क को बहुत ज्यादा दर्ज हरारत और आग से दूर रखें। ऑप्टिकल डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एक और अहम टाइप ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। इसे ऑप्टिकल डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर डेटा लिखने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डायमीटर 4.75 होता है और इसकी मोटाई 1 इंच के 20वें हिस्से से भी कम होती है। ऑप्टिकल डिस्क भी फ्लैश डिस्क की तरह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। ऑप्टिकल डिस्क की आम इस्तेमाल होने वाली टाइप्स में
CD-ROM, write once, read many disks, rewritable CDs और DVDs शामिल हैं। CD-ROM, आइए इसकी पहली टाइप यानी CD-ROM के बारे में देखते हैं। CD से मुराद है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी एक डिस्क की शक्ल होती है। इसके साथ ROM का लफ्ज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिस तरह प्राइमरी स्टोरेज में ROM से सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, इसी तरह इस डिस्क से भी हम इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते। ये देखें, आपको मार्केट में जो ऑडियो और वीडियो सीरीज नजर आ रही हैं, ये सब डिस्क ही हैं। हो सकता है आपने इन्हीं ऑडियो वीडियो सीरीज पर कुछ म्यूजिक भी सुना हो और कुछ फिल्म्स भी देखी हो। राइट वंस रीड मैनी, ये देखिए, ये ऑप्टिकल डिस्क की एक और टाइप है जिसे वॉर्म डिस्क यानी राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहा जाता है। ये भी कॉम्पैक्ट डिस्क ही है, ये देखने में भी बिल्कुल सीडी रोम जैसी ही लगती है। इन सीरीज पर आप इंफॉर्मेशन सिर्फ एक दफा राइट कर सकते हैं। यानी एक दफा इंफॉर्मेशन राइट करने के बाद दोबारा इस सीडी पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जा सकती, ताहम इस सीडी पर स्टोर किया हुआ डेटा आप बार बार रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा डेटा या इंफॉर्मेशन राइट करने के बाद ये सीडी सीडी रोम की तरह काम करती है। इस तरह की सीडीज आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स या काम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रीराइटेबल सीरीज। अब जो ऑप्टिकल डिस्क की टाइप आप देख रहे हैं, इसे रीराइटेबल सीरीज कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो सीडीज हैं जिन पर हार्ड डिस्क की तरह न सिर्फ डेटा राइट कर सकते हैं बल्कि इसे चेंज या रिमूव भी किया जा सकता है। यानी आप इन सीरीज पर बार बार इंफॉर्मेशन या डेटा राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। एडवांटेजेस। आमतौर पर सीडी रोम, वॉर्म डिस्क और रीराइटेबल सीरीज पर 650 एमबी से लेकर 800 एमबी तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इनकी मदद से हम ज्यादा डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सीडीज को इस्तेमाल करते हुए खास ख्याल रखें कि इन पर स्क्रैचेस न पड़ें ताकि आपका डेटा जाया ना हो। रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सा ऐसा डेटा होता है जो एक सीडी पर पूरा नहीं आता, मसलन मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह। खुशकिस्मती से हमारे पास डीवीडी मौजूद हैं। डीवीडी से मुराद डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डीवीडीज के इजाद करने का मकसद वीडियो को स्टोर करना था, इसीलिए पहले इसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता था। ताहम इसके बनाने वालों ने इसका नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें न सिर्फ वीडियो बल्कि टेक्स्ट और ग्राफिक भी स्टोर की जा सकती हैं। ये लगती तो आम सीडीज की तरह है मगर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी आम सीडीज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। डीवीडीज की दो अकसाम होती हैं, एक को डीवीडी रोम कहते हैं और दूसरे को डीवीडी रैम कहते हैं। डीवीडी रोम, डीवीडी रोम भी सीडी रोम की तरह काम करती है, यानी इस पर से इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड की जा सकती है, इसे मॉडिफाई या रिमूव नहीं किया जा सकता। मसलन किसी डीवीडी रोम पर स्टोर की हुई मूवी आप देख तो सकते हैं मगर किसी नई मूवी को इस डीवीडी में स्टोर नहीं कर सकते। डीवीडी रैम रीराइटेबल सीडीज की तरह काम करती हैं। यानी इनमें आप न सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं बल्कि इसमें आप नया डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते और पहले से मौजूद डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। आमतौर पर एक डीवीडी पर 4.7 GB की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। डीवीडीज भी सीडीज की तरह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं। अदर डिवाइसेस, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के अलावा और भी स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं। ये एक अहम स्टोरेज डिवाइस है जिसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। ये देखिए, ये एक आम ऑडियो कैसेट जैसी ही है। मैग्नेटिक टेप पर डेटा एक लाइन में इस तरह पढ़ा होता है कि जो डेटा पहले स्टोर किया होता है वो पहले पढ़ा जाता है और जो डेटा बाद में स्टोर किया जाता है वो बाद में पढ़ा जाता है। जबकि मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में
یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے اسٹور کیا ہوا ڈیٹا پہلے ہی پڑھا جائے. اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس پر آپ ڈیٹا یا انفارمیشن کی ایک کاپی بنا کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ٹیپس کسی اسٹرانگ میگنیٹ سے دور رہیں تاکہ آپ کی اسٹورڈ انفارمیشن ضائع نہ ہو. سمری: اس لیسن میں ہم نے مختلف اسٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں معلومات حاصل کی، مثلاً ریم، روم، میگنیٹک ڈسک یعنی ہارڈ ڈسک، فلیش ڈسک، آپٹیکل ڈسک یعنی سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، کچھ اور اسٹوریج ڈیوائسز وغیرہ.